गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने रिकी टिक्की चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस और वर्ड मीनिंग किया था। आज हम लोग और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं, ठीक है। ये रिकी टिक्की चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चंस आंसर करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे। ये दिया हुआ आंसर द क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं सीधे आंसर्स बताऊंगा, आप अपनी बुक से क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डिड रिक्की टिक्की हियर व्हेन ही वाज इन द गार्डन विद चुचुंदर, है ना। रिक्की टिक्की ने क्या सुना ये हमें बताना है। तो चलो देखो, रिक्की टिक्की हियर्ड अ वेरी फेंट स्क्रैचिंग साउंड इन द गार्डन। A noise has faint as I was walking on a window's pane. It was the sound of the dry scratch of a snake's scales on a brickwork. फिर से देखो, रिकी टिक्की हियर्ड अ वेरी फेंट स्क्रैचिंग साउंड In the garden, noise as faint as a wasp walking on a window pane. It was the sound of the dry scratch of a snake's scales on brickwork. ठीक, ये आप लोग नोट करेंगे, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, तो ये आंसर लिख करके फिर आगे बढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड नगीना गिव नाग अबाउट किलिंग द बिग मैन, ठीक है। नगीना इंस्ट्रक्टेड नाग दैट ही शुड गो इन क्वालिटी सॉरी He should go in quietly and remember to bite the big man first. When he had done that, he should come out and tell her. उसने बोला ना कि आप चुपचाप जाओ और जाकर के आदमी को काट लो, फिर बाहर आके मुझे बताओ। नगीना इंस्ट्रक्टेड नाग दैट ही शुड गो इन क्वाइटली एंड रिमेंबर टू बाइट द बिग मैन फर्स्ट। व्हेन ही हैड डन दैट ही शुड कम आउट एंड टेल हर, ठीक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, व्हाई डिड नगीना वॉन्ट टू हाउस टू बी एम्प्टी। नगीना वॉन्टेड द बिग हाउस एम्प्टी बिकॉज व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बैंगलो द मंगूस वुड ऑल्सो गो अवे एंड द वुड बी किंग एंड दे वुड बी दे हुए यहाँ पर एंड दे वुड बी किंग एंड क्वीन ऑफ गार्डन। नगीना वॉन्टेड द बिग हाउस एम्प्टी बिकॉज व्हेन देयर वर नो पीपल इन द बंगलो द मंगूस वुड ऑल्सो गो अवे एंड दे वुड बी किंग एंड क्वीन ऑफ द गार्डन, ठीक। जब वो चले जाएंगे तो वो लोग अकेले रह जाएंगे, तो वो लोग बगीचे के हो जाएंगे राजा और रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड रिकी टिक्की अटैक नाग। देखो, रिकी टिक्की वॉच्ड WATCHED वॉच्ड नाग एज द कोबरा drank from the water jar
waited till he fell asleep. Then he jumped and bit him on the head, just above the hood. He used all his strength to hold down the head. ठीक, इसको आप नोट करेंगे. फिर नेक्स्ट, व्हाई डिड रिकी टिकी फील डिजी व्हेन ही वाज फाइटिंग नाग. देखो, ही फेल्ट डिजी बिकॉज ही वाज बेटर टू एंड फ्रो लाइक अ रैट बीइंग शेकन बाय अ डॉग. He felt dizzy because he was battered to and fro like a rat being shaken by a dog. ठीक, इसको आप नोट करेंगे, कॉपी पे सुंदर सुंदर लिखेंगे इस क्वेश्चन आंसर को. चलिए हम लोग अब बुक का काम करते हैं. ये यहाँ पर कुछ वर्ड्स, जैसे हम लोग चैम्पियन की जगह पे कई बार चैप यूज़ कर लेते हैं या कोई वर्ड ऐसे यूज़ करते हैं ना, तो उसी के जैसे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है. मैच द फॉर्मल वर्ड फ्रेज विद द कोलोक्वियल फॉर्म, है ना. जैसे ए टॉकेटिव पर्सन जो बहुत ज़्यादा बात करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैटर बॉक्स, ये है ना. तो उसको मैंने ई लिखा यहाँ पर. देखो, लेजी काउच पोटैटो एफ, ग्रैंड मदर ग्रैंड ए, गॉट टू गोटा बी, चाइल्ड को हम लोग किड बोलते हैं, है ना. डी मदर मम डी. ठीक है, पहले का साथ ई, दूसरे के साथ एफ, तीसरे के साथ ए, फोर्थ के साथ बी, फाइव के साथ सी और सिक्स के साथ डी. ठीक, चलो अब यहाँ देखेंगे हम लोग. यहाँ पर हम लोगों को प्रोनाउंस लगाने, प्रोनाउन क्या होते हैं, जो वर्ड नाउन की जगह पे आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, है ना. तो आई एम श्योर आई लेफ्ट माई पर्स हेयर, नाउ आई कैन नॉट फाइंड इट. इट यहाँ पर होगा. डोंट लुक फॉर राजेश एंड देव, दे मतलब दोनों के लिए आ रहा है, दे हैव ऑलरेडी गॉन होम. टीना लुक सो प्लीज्ड, She has been selected for the main part in school play. Kiran missed the football trials today. Karan missed the football trial today. He has been called tomorrow. Are you going for Sana's birthday party? ठीक है, यहाँ पर ये यू हो गया, तुमसे पूछ रहा है ना. Two of my best friends have left school. I really miss them. मैं उन्हें बहुत miss करता हूँ. I wonder where Reena is. I have something important to tell her. ठीक, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, work in pairs using relative pronoun. Connect the beginning of a sentence in the first column with a suitable addition for the second column. देखो, this is the house, D वाला, उसमें dad लिखेंगे, dad Jasmine built, एक first के साथ D, यहाँ पर dad भी लिखेंगे. ठीक, फिर दूसरा, these are the pens that Rohan bought at the shop, E, second के साथ E. ठीक है, यहाँ पर भी dad लिखेंगे. Alike people, ए वाला लिखेंगे, हु आर ऑनेस्ट, जो सच्चे होते हैं. ठीक है, ही इज अ राइटर हुज रिसेंट बुक वॉज अ बेस्ट सेलर. द टीचर गेव कैंडीज विच वर वेरी सॉफ्ट. ठीक, फर्स्ट के साथ डी, सेकंड के साथ ई, थर्ड के साथ ए, बी, फोर्थ के साथ बी, फाइव के साथ सी. ठीक, चलिए आगे करेंगे. यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्टिकल्स लगाने हैं, ए एन दी, है ना. देखो,
रिलीना हैड बॉट द सोफा फ्रॉम ए फर्नीचर स्टोर. ठीक. द प्रिंस लिव्ड इन अ प्लेस पैलेस इन टोक्यो. दे डिसाइड टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन अ वीकेंड. द मेयर इनॉग्रेटेड अ न्यू थीम पार्क. An apple helps to keep the doctor away. An owl, and क्यों लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो vowel है ना. An owl hoots near the window every night. ठीक. ये आपका chapter complete हो गया. अब इसको आप ये जो काम करना है ये तो book में करना है. Question answer वगैरह आप अपनी copy पे करेंगे. ठीक है. और सुंदर सुंदर writing में करेंगे. फिर next chapter के साथ हम लोग फिर मिलेंगे. Bye.